हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि आलू की भुजिया थी इसलिए, और मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी इसलिए मैंने इसके पापा को आज जल्दी से लंच पैक करके दे दिया, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। एंड यहाँ पर मैं इसके ऑयलिंग कर रही हूँ हेयर में, इसके मतलब आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इसके हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। इसने बोला मेरे हेयर ऑयलिंग करने के लिए, और बहुत इसके बाल जो है बहुत ड्राई है, तो इसलिए बहुत सारे ऑयल के साथ मैंने इसके आज हेयर मसाज करी है। ये अभी सब्जी लेके आए हैं इसके पापा, तो मैं इनको वॉश करूंगी। तो ये प्याजा काफी मन हो रहा था, तो ये प्याजा वाली है, पालक है एंड सेम है, वॉश करूंगी मैं। और ये यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता का मन था, हल्की फुल्की भूख थी तो ब्रेड और ये चाय हमने बना लिया, तो इसको एंजॉय कर। और ये यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर को जाना था पार्टी वगैरह में, तो मैं इसका बेस बना रही हूँ। और इसका बेस बन, और प्लीज़ यार आप बताइएगा मेकअप कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा बेस रेडी हो गया, तो यहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर लगाने से आईज़ पे थोड़ा जो आईज़ मेकअप करते हैं वो उभर के बहुत अच्छे से आता है, तो इसलिए हमें कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हम टैप टैप कर देंगे। और अभी मेरा मॉर्निंग का काम भी अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं करी थी, लेट हो गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा ठीक है मैं बाद में करूँगी। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, बट अभी झाड़ू पोछा वगैरह मैंने नहीं करा था क्योंकि एडिटिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने एडिटिंग कर ली। एंड इसके बाद फिर इसका मेकअप करना था, अब ये इसका मेकअप कर लूँगी। ब्लू ड्रेस पहना है तो ब्लू ड्रेस के हिसाब से ही इसका मेकअप होगा, तो इसलिए। और इसको थोड़ा सा स्मोकी वाला चाहिए था, तो इसीलिए। और यहाँ पर अच्छे से मैं इसके मेकअप को लॉक कर दूँगी एंड इसके बाद इसका आईज़ मेकअप कर दूँगी। और किसी दिन मैं आपके साथ पूरा ट्यूटोरियल जो भी है मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। अच्छी लग रही है। अच्छा ये पहनी है, शूज है। बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब तो कंपलसरी है। आई थिंक अभी टाइम जो हो रहा होगा 12 हो रहा होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट इतना टाइम हो गया था क्योंकि लंच भी मेरा काफ़ी लेट हुआ था, तो इसी वजह से वही है ना, मॉर्निंग में अगर काम यार थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो फिर लेट ही होता है, फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसको जल्दी करने की नहीं हो पाता जल्दी, यही होता है। इसलिए हम मॉर्निंग में जितनी जल्दी काम निपटा ले उतना हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है, और हम और भी अगर कुछ काम करना है तो उसको भी टाइम दे सकते है। और यहाँ पर ये जाला साफ करने वाला था, मैंने कहा चलो हल्का हल्का मार लेती हूँ, वैसे जाले तो है नहीं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के अगर कहीं होंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं ना जाले जब भी मैं मतलब झाड़ू लगाती हूँ तो कभी कभार मैं बीच में दो चार दिन में मतलब झाड़ू से मैं दीवारों पे वॉल पे मतलब वैसे भी हाथ फेर देती हूँ, तो जाले इतने हैं नहीं, बस मैं ये कि एक अंदर से आई कि चलो ठीक है ये है तो एक बार मैं कर लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत होगा तो इससे वो भी क्लीन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जाले वाले से कर लिया। एंड यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा, सॉरी झाड़ू हो चुका है बट पोछा नहीं हुआ, क्योंकि पोछा करने से पहले मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वही है ना कि जब बर्तन हम वॉश करते हैं तो पानी के छींटे वगैरह तो यार जाते ही है ना, तो इसलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके पोछा मैं बाद में लगाती हूँ बर्तनों को वॉश करने के बाद, जिससे कि फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, कोई छींटे वगैरह वॉल नीचे भी नहीं गिरते हैं, इसलिए तो मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर अब मेरा ऑलमोस्ट काम डन होने वाला है, क्योंकि बर्तन वॉश हो गए तो पोछा ये है
पोछा ही रह रहा है। और मैंने वैसे भी मतलब पूजा तो मैंने पहले ही कर ली थी नहा धो के, तो मैं मंदिर का जो एरिया है वो क्लीन कर लेती हूँ, अपना किचन वाला जो एरिया है और मंदिर का एरिया वो उतनी दूर में क्लीन कर लेती हूँ एंड पूजा कर लेती हूँ, तो हो जाता है। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, जय माता दी।